सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज के में स्पेशली मैं एक गेम की ओर बात नहीं करने वाला, आज हम दो गेम के बारे में बात करेंगे। एक तो पहला गेम चेंजर 5 के ऊपर और दूसरा ड्रीम के 24 के बारे में। तो भाई गेम चेंजर 5 के बारे में एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के सामने आई है, जो कल उन्होंने अपने चैनल पर एक चीज़ डाली थी, उसके बारे में बात करूँगा। और साथ ही साथ में ड्रीम के 24 के बारे में जो भी न्यू फीचर्स आने चाहिए उस गेम के अंदर, उसके बारे में बात करूँगा। क्योंकि दो तीन फीचर आप लोगों ने मेरे को ऐसे कमेंट करके बताया जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और गेम के अंदर आने चाहिए। और भाई साथ ही साथ में एक बढ़िया न्यूज़, भाई 210 सब्सक्राइबर और चाहिए मेरे को अपने 2000 सब्सक्राइबर के लिए। तो प्लीज़ भाई जो भी लोग नए वीडियो देखते हैं ना भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, सिर्फ 210 सब्सक्राइबर और चाहिए 2000 के लिए। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना मत बोला कि नेक्स्ट वीडियो कौन से बात पर चाहिए। तो भाई अब बात करते हैं कि गेम चेंजर 5 के बारे में क्या न्यूज़ निकल के सामने आई है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि गेम चेंजर 5 वाले ने अपने यूट्यूब चैनल की पोस्ट पर एक चीज़ डाली है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कंट्रोल्स कैसे कैसे होने वाले हैं उसके अंदर। तो भाई जैसा आप देख सकते हो, उसके अंदर एक तो लॉफ्ट का ऑप्शन है, एडवांस का ऑप्शन है, फिर लीप का ऑप्शन है, फिर पुश का, फिर स्ट्रोक का, फिर बैक फुट, फिर गुड लेंथ, फिर फ्रंट फुट। भाई लेकिन इसके अंदर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही ऐड कर दिया, मतलब अच्छा हाँ, इन्होंने पहले क्या था, ये लॉफ्ट पुश और स्ट्रोक वाले ऊपर हुआ करते और ये फिर बैक फुट गुड लेंथ वाले फ्रंट फुट वाले ये एकदम नीचे हुआ करते। तो इन्होंने पूरा चेंज कर दिया इंटरफेस। मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगा देखने में कि इन्होंने पूरा चेंज कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ चेंज नहीं किया, बस इसकी जो क्या बोलते हैं, इसका जो डिज़ाइन होता है, पैटर्न होता है, वो चेंज कर दिया, बस इसको ऊपर से नीचे मतलब मिक्स कर दिया इन्होंने। पहले ये सब पुश लॉफ्ट स्ट्रोक ये सब ऊपर हुआ करते, तो इसमें सिर्फ इन्होंने चेंज इसी में किया है। तो अब देखते कि भाई बता, लेकिन बंदे सिर्फ उसी से एकदम वो रहेंगे ना कि हम पहले जैसे रियल क्रिकेट खेला करते हैं, मतलब वैसे ही कंट्रोल्स लेके आओ। इन्होंने थोड़ा चेंजेस करने में थोड़ी गड़बड़ कर दी यार, मतलब देखते भाई गेम खेलेंगे तब थोड़ा पता चलेगा, लेकिन ठीक है कंट्रोल्स में कुछ चेंजेस करोगे कुछ तो नयापन तो देखने को मिलेगा साथ साथ में। और भाई इसके अंदर आप सबको पता है इसके अंदर मार्क निकोलस की कमेंट्री है इंग्लिश के अंदर और आकाश चोपड़ा की कमेंट्री है हिंदी के अंदर, तो वो काफ़ी बढ़िया है। और साथ साथ में इनका जो अपडेट है वो शायद अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर आ जाए या फिर आपको इस महीने के लास्ट में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये लेकिन कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, कन्फर्म न्यूज़ नहीं है भाई ये वाली अभी तक, लेकिन इसके अंदर शायद आ जाए क्योंकि भाई अभी तक इनका ऑलमोस्ट अपडेट बन के रेडी हो चुका है शायद मेरे हिसाब से, तो जैसा देखने में लग रहा है। तो भाई जब तक वेट करना, महीने के लास्ट तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ सकता है ये वाला, लेकिन कंफर्म नहीं है, मेरे को किसी ने कंफर्म बताया नहीं, मैं सिर्फ आपको अंदाज़े से बता रहा हूँ। और साथ साथ में ड्रीम के 24 के बारे में बात करें तो आप लोगों ने मेरे को कुछ फीचर्स बताए थे। तो पहला फीचर ये था कि प्लेयर के स्टैट्स, तो भाई जिस प्लेयर से हम खेलते हैं ना उनके स्टैट्स, जैसे कितने रन मारे उन्होंने, कितने स्ट्राइक रेट से खेलते, कितने मैचेस खेले, कितने छक्के मारे, कितने वो मारे हैं, वो सब स्टैट्स इसके अंदर दिखने चाहिए हर प्लेयर के, जिस जो जो बंदे आपके टीम के अंदर है। तो ये फीचर आना चाहिए भाई, सब लोगों ने मेरे को कमेंट करके ये चीज़ बोली है। और साथ साथ में आकाश चोपड़ा की कमेंट्री चाहिए, यस ब्रो हिंदी कमेंट्री तो भाई सबको चाहिए भाई, हिंदी कमेंट्री इसके अंदर चाहिए ही चाहिए, और वो भी अभी आकाश चोपड़ा की होना तो और मज़ा आएगा, क्योंकि भाई खेलने में तो आकाश चोपड़ा की कमेंट्री सुनने में और मज़ा आता है। और साथ साथ में भाई मैं चाहता हूँ कि जतिन सप्रू की कमेंट्री भी उसके अंदर हो भाई, वो काफ़ी बढ़िया कमेंट्री करते हैं, जो भाई इन्होंने वर्ल्ड कप के टाइम पे करी थी ना लॉन्ग ऑफ वाली, काफ़ी बढ़िया कमेंट्री थी भाई इनकी। और साथ साथ में इसके अंदर इन्होंने और कुछ बताया मेरे को, ऑटो प्ले वाला ऑप्शन आना चाहिए भाई। ऑटो प्ले वाला ऑप्शन अब इसके अंदर है, लेकिन वो जेम्स मांगता भाई ऑटो प्ले वाला ऑप्शन, तो मेरे को वो फीचर अच्छा नहीं लगता भाई। अगर वीडियो देख के करे तो वो भी बात है, वीडियो दिखा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेम्स वगैरह या फिर टिकट वगैरह के बेसिस पे ऑटो प्ले नहीं होना चाहिए, वो अच्छी नहीं लगती भाई वो चीज़। और साथ साथ में आप लोगों ने मेरे को और बताया है, पहले तो 100 रन सेलिब्रेशन इन हेलमेट रिमूव, यस ब्रो हेलमेट रिमूव करके 100 की सेलिब्रेशन होनी चाहिए भाई। साथ साथ में इसके अंदर भाई स्टेडियम सेलेक्शन का ऑप्शन जो पिछले वीडियो के अंदर भूल गया था, वो चीज़ भी होनी चाहिए इसके अंदर। और साथ साथ में 6 डिस्टेंस मीटर, यस ब्रो 6 डिस्टेंस मीटर भी आना चाहिए इसके अंदर, कि कितने मीटर लंबा छक्का मारा है हमने। और साथ साथ में इसके अंदर मैन ऑफ द मैच एंड मैन ऑफ द सीरीज सेलिब्रेशन, यस ब्रो ये भी आना चाहिए, जैसे कि रियल क्रिकेट 24 के अंदर है कि मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिलता है, सेलिब्रेशन होती है उस चीज़ की, वो चीज़ भी इसके अंदर आनी चाहिए, तो गेम को और रियलिस्टिक बनाएगा भाई ये फीचर। और साथ साथ में जिस तरह से बैट्समैन आउट होकर जाता है, उसी तरह से बैट्समैन पिच की ओर आने वाला कटसीन, यस ब्रो तब बैट्समैन पिच पे एंटर करता है ना, तो वो वाला कटसीन नहीं आता, सिर्फ तब बैट्समैन गार्ड लेते हैं अपना, तभी वो वाला कटसीन आता है, वो वाला कटसीन नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को चाहिए तब बैट्समैन एंटर करता है, वो काफ़ी बढ़िया फीचर रहेगा। और साथ साथ में इसके अंदर क्या बोला है, 6 and 4 मल्टीपल कैमरा एंगल रिप्ले, यस ब्रो 6 के लिए एक मल्टीपल कैमरा एंगल फीचर होना
होना चाहिए जो रियल क्रिकेट 24 के अंदर है वो होना चाहिए भाई इसके अंदर। और WCC3 के अंदर भी है कि हम कैमरा एंगल खुद से सेट करके वापस हाईलाइट देख सकते हो उस चीज़ की। और साथ साथ में न्यू कट सीन्स भी ऐड होने चाहिए भाई, वो तो होने चाहिए। और साथ साथ में न्यू स्टेडियम व्यू, यस ब्रो, वाला कट सीन तो होना चाहिए। जब स्टेडियम को हम दिखाते हैं ना तो उसके नए नए कट सीन्स आने चाहिए, जो स्टेडियम को दिखाने का जो कट सीन कैमरा एंगल वगैरह होते हैं वो नए नए आने चाहिए एकदम भाई। इसके अंदर तो वैसे भी ग्राउंड को लुक दिखाते ही नहीं कि ग्राउंड कैसा है कैसा नहीं है। जैसे आपने पीसी गेम देखे होंगे कि रियल क्रिकेट 24 के अंदर है, और क्रिकेट 24 जो पीसी वाला है उसके अंदर भी कट सीन दिखाते हैं पहले स्टेडियम का कि स्टेडियम कैसा है, वो दिखाना चाहिए भाई एकदम रिवॉल्विंग कैमरा वाला कि पूरा स्टेडियम रिवॉल्व करके दिखाए। ये तो भाई फीचर आने चाहिए। और करियर मोड भी ऐड होना चाहिए भाई, लोगों की बहुत डिमांड है करियर मोड होना चाहिए, करियर मोड होना चाहिए, तो ये फीचर तो होना। और स्कोर बोर्ड भी चेंज होना चाहिए भाई इसके अंदर। स्कोर बोर्ड तो भाई बिल्कुल अब इंटरेस्टिंग लगता नहीं, क्योंकि स्कोर बोर्ड के अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें जोड़ रखी इन्होंने। एक नया स्कोर बोर्ड, एकदम अच्छा एकदम सिंपल वाला स्कोर बोर्ड चाहिए भाई मेरे को इस गेम के अंदर। तो भाई सिर्फ ऐसे फीचर्स आपने मेरे को कमेंट करके बताए थे, कुछ ऐसे और फीचर चाहिए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करना मत भूलना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से वर्ड पर चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में सिर्फ इतना था।